क्वेश्चन इंटीग्रेशन वन अपन रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन डी एक्स। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू वन अपन रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसमें हम इसके डिनोमेटर को अगर रिसलाइज करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ईजी से हो जाएगा। तो अब हम इसके डिनोमेटर को रिसलाइज करते हैं तो ये होगा रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन डी एक्स। सो इज इक्वल टू, ये तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा और नीचे आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी, रूट एक्स की होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन ये एक्स होगा और ये एक्स माइनस वन डी एक्स। सो इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, और ये ब्रैकेट हटाने से साइन इसके क्या हो गए चेंज हो जाएगी और एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया। सो इज इक्वल टू, हम इसके रूट को पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो इससे इंटीग्रेशन करने में ईजी होगा और ये होगा एक्स माइनस वन टू द पावर वन बाई टू डी एक्स। और इसमें हम इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा वन बाई टू प्लस वन और ये होगा वन बाई टू प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी इक्वल टू एक्स टू द पावर ये होगा थ्री बाई टू और ये टू बाई थ्री हो जाएगा और ये भी टू बाई थ्री और एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी। और इसमें टू बाई थ्री इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।